अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना बेकिंग सोडे के। कभी कभी हमारे घर में दूध फट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आप उसे फेंके नहीं, बनाए उससे सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन। सिर्फ एक कटोरी आटे और फटे हुए दूध से कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये बिना मावा के बनाए हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ 1 किलो दूध लिया था, तो क्या हुआ कि दूध हमारा जो है वो फट गया था। तो अब मैंने सोचा कि हम दूध का क्या करें, तो फिर मैंने उसे दूध को छाना और मैंने उसे सूती कपड़े में छान लिया। छानने के बाद उससे ये पनीर निकला, आप देख सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसल दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है एकदम। आप इसे गुलाब जामुन बनाइए या फिर आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी आटा, तो ये गेहूं का आटा है, और इसे अब हम क्या करेंगे कि मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। तो भाई अब घी तो इसमें डालना ही पड़ेगा, अब मावा भी नहीं होगा और घी भी नहीं होगा तो फिर गुलाब जामुन कैसे लगेंगे। तो आप इसमें घी ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। तो चलिए इसे हम, ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है, आप देख सकते हैं हथेलियों की मदद से इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे से हमारा जो डो है बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बने, एकदम जिस तरह से जो मावा होता है बिल्कुल उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से इसका इसे फेंट रही हूँ। तो आपको इसमें ना ही बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही मावा की ज़रूरत, इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि कोई चेक ही नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि डो हमारा एकदम रेडी हो गया, इतना सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम मावा के रसगुल्ले बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और अब मैंने इसे ढक दिया है, इसे रख देते हैं 1.5 से 1 घंटे के लिए। और अब मैंने यहाँ ली है 1 बर्तन, और इसमें हम डाल देते हैं 1.5 गिलास के करीब, मैं यहाँ इसमें पानी ऐड कर रही हूँ अब, क्योंकि हमें चाशनी बनानी है रसगुल्लों के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शक्कर, मतलब चीनी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 150 से 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ शुगर ऐड कर दी है। और अब हम इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी एकदम तैयार हो चुकी है, गैस का फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है। तो हमें 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें चाशनी को सिर्फ इतना पकाना है कि बस जब हम हाथों से इस तरह से ये देखिए कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए, उंगलियाँ हमारी जो है वो फिसल रही हैं, बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, कोई हमें तार बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो फिर गुलाब जामुन मतलब अब्जॉर्ब नहीं करते हैं चाशनी को। तो यहाँ हमारा 1/2 घंटा हो गया है, और अब हम क्या करेंगे कि इसे फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हाथों से इसे फिर से मसल लेते हैं। डो को हमने इस तरह से एकदम सॉफ्ट कर लिया है, एकदम मावा के फॉर्म में आ चुका है। और अब हम इसमें थोड़ी सी लोई लेंगे, और ये देखिए इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाएंगे, और थोड़ा सा हम इसे अब चपटा करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर 1-1 किशमिश ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको बस दिखा रही हूँ, बस इस तरह से आप अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए, स्किप भी कर सकते हैं आप। तो बस इसे इस तरह से गोल गोल करिए, स्क्रैच इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे और फट जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। और आपको बिल्कुल एकदम चिकना, जिस तरह से हम मावा के बनाते हैं उसी तरह से आपको बनाना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और बाकी के बचे हुए डो से भी हम इसी तरह से सारी गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 कटोरी आटे में हमारे 13 गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, और सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने ली है 1 कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से ये देखिए गरम कर लिया है हमने, और आपको ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम गरम करना है आपको, और उसमें 1-1 गुलाब जामुन बस डालते जाइए फ्राई करने के लिए।
और गैस का फ्लेम आप लो कर लीजिए, लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो एक बार में आप जितने भी गुलाब जामुन फ्राई कर सकते हैं उतने आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक एक करके, बस अब हमें इन्हें छूना नहीं है, मतलब बस इसी तरह से हम बस एक से एक मिनट के बाद ही हम इन्हें मतलब अलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए इस तरह से इन्हें अब ऊपर जो एक साइड से सिक चुके हैं अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बस गैस का फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पर हम इन्हें बस अलट पलट कर फ्राई करते जाएंगे और बढ़िया सा इनका जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर एकदम चेंज हो गया है, आप देख ही सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये वाले गुलाब जामुन जो है हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। सेम प्रोसेस है, बस आपको ऑयल में डालना है, गैस का फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम के बाद बस आप इसे फ्राई कर लीजिए। और अब मैंने इन्हें डाल दिया था चाशनी में, तो आपको एकदम गरम गरम ही गुलाब जामुन डालने हैं चाशनी में, ऐसा नहीं कि आप जब ठंडे हो जाएं तब डालो, तो हाल ही आपको डालना है और इसे बंद कर देना है। और ये वाले गुलाब जामुन भी हमारे यहाँ फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि सारे गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम इस चाशनी में ये वाले गुलाब जामुन भी डाल देते हैं। तो ये देखिए बढ़िया बने हैं ना, एकदम मस्त गुलाब जामुन हमारे, कोई कह नहीं सकता कि ये हमने आटे और फटे हुए दूध से बनाए हैं। तो बस चाशनी में बढ़िया तरीके से आप इन्हें ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए और आप इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। तो 2 घंटे लगभग हमारे यहाँ हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं और गुलाब जामुन ने सारी चाशनी जो है वो अब्सॉर्ब कर ली है। आप देख सकते हैं कितने, आपको मार्केट से भी अच्छे गुलाब जामुन घर पे मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही कम खर्च में। आपको यकीन नहीं होगा कि ये गुलाब जामुन हमने आटे और फटे हुए दूध से बनाए हैं। तो बाकी की बची हुई चाशनी भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने टेम्पटिंग, एकदम कोई बता ही नहीं सकता कि आटे से बने हैं। तो ये देखिए आपको काट कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट, कितनी जूसी गुलाब जामुन बने हैं बहुत ही कम खर्च में। जब भी आपका मन करे, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, जब भी बच्चों का मन करे तो बस आप ये आटे के गुलाब जामुन आपने बनाइए और खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, कि आपके बच्चे चेक ही नहीं कर पाएंगे कि आपने बिना मावा बिना मिल्क पाउडर से बनाए हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी और जूसी गुलाब जामुन बने हैं। तो ये देखिए कितने लग रहे हैं ना, कितने टेम्पटिंग। तो आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये देखिए है ना, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए और कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल कोई भी गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।